नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा देख रहे हो वैसा ही कुछ राजस्थान में होने वाला है। क्या राजस्थान का भूगोल एक बार फिर से बदलने के लिए तैयार है या इसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, आगे हम क्या करें क्या नहीं करें। देखो, एक एक पॉइंट को सुनना है, चार पांच बातें मैं आपसे करूंगा जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन यदि आप एक एक चीज को समझोगे तो पूरी सार्थकता और प्रामाणिकता के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या बदलाव हो सकता है और आपको नेक्स्ट जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सीईटी का एग्जाम है, क्या उसमें पुरानी ज्योग्राफी आएगी या फिर हम बदली हुई ज्योग्राफी को पढ़े या किस आधार पर पढ़े, एक एक पॉइंट को लेकर अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपसे यही की जा रही है कि राजस्थान भूगोल में एक बदलाव, क्या राजस्थान भूगोल बदलेगा। तो मेरे पहले इस स्टेप से देखना, राजस्थान के जिलों में बदलाव का खाका तैयार। 13 शहरों को जिला बनाने का प्रस्ताव, विधायकों के सुझाव, छोटे छोटे जिलों को खत्म किया जाएगा या फिर उनको मर्ज किया जाएगा। तो इससे पहली बात ये क्लियर हो चुकी है कि भैया अपने राजस्थान में पहले 17 नवगठित प्लस में 2 पूर्णतया पुनर्गठित कुल कितने जिलों का गठन हुआ था, 19 जिलों का गठन। और ये जो 19 जिले हैं, इनका अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में है या ये परिवर्तन के तौर पर दोबारा से हमें नए जिलों के रूप में कुछ जिले देखने को मिल सकते हैं। अब वो बदलाव क्या होने वाला है, किस आधार पर होने वाला है, अगली महत्वपूर्ण बात, जल्द आएगा फैसला। पिछली कांग्रेस सरकार के समय बने नए जिलों के भविष्य पर जल्द फैसला होने के आसार है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नए जिलों को लेकर खाका तैयार कर लिया है। कमेटी 30 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने जा रही है। अब सबसे पहला ये क्वेश्चन भी बनता है और हमें पता भी होना चाहिए कि अपने राजस्थान में जो नए जिले गठित हो रहे हैं, यानी कि जो पहले बने थे 19 जिले, उनमें परिवर्तन कर और राजस्थान में लगभग कितने जिले बनाए जाने की योजना है, अब 13 जिले बनाए जा रहे हैं। पहली बात, ये 19 से 13 जिले बनाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है वो समिति कौन सी है, क्या कहोगे, ललित के पवार की अध्यक्षता वाली समिति है, ठीक है। और इस समिति को 30 अगस्त डेडलाइन दी गई है कि आप 30 अगस्त से पहले पहले नए जिले या इनमें जो परिवर्तन होने वाला है उसकी पूरी रूपरेखा गवर्नमेंट को सौंप दीजिए, यानी कि इसी महीने में, कब, 30 तारीख तक। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, अब सुनना ध्यान से। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 13 शहरों को नए जिले बनाने का प्रस्ताव आया है। कितने, 13, पहले कितने थे, 19। ये एक बदलाव आपको देखो। इतना ही नहीं, विधायकों ने छोटे जिलों को नए जिलों में मर्ज करने का सुझाव भी दिया है। पवार कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट सब कैबिनेट पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी फाइल रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी और फिर इस पर फैसला होगा। इसमें देखो किसे रखा गया है, प्रेमचंद बैरवा जो अपने राजस्थान के डिप्टी सीएम है, सदस्य है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनको भी लिया गया है, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, ये सदस्य हैं, ये इसके संयोजक होंगे और इनके सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। किसके द्वारा, पवार कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। चलो साहब अगली बात करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, कमेटी ने अब तक
35 से ज्यादा विधायकों ने लिखित सुझाव दिए। कमेटी को अब तक 35 से ज्यादा विधायकों ने लिखित सुझाव दिए हैं। पवार कमेटी को अब तक 35 से ज्यादा विधायकों ने लिखित ज्ञापन सौंपकर मौजूदा जिलों में बदलाव करने या नए इलाके जोड़ने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, और कितने शहरों को? 13 शहर को। अब देखो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या परिवर्तन होने का जो रोड मैप तैयार हो रहा है वो कौन सा होगा। ठीक है, सुनना ध्यान से। इन शहरों को जिला बनाए जाने की मांग है। अब देखो, सूरतगढ़ यानी कि पहले गंगानगर से कौन बना था? अनूपगढ़ बना था। अब अनूपगढ़ की जगह किसे बनाए जाने की योजना है? क्या कहोगे? सूरतगढ़। क्लियर है? यहां बना था फलोदी। फलोदी की जगह अब किसे जिला बनाए जाने की अनुशंसा की गई है? पोखरण को। क्लियर? बीकानेर में इधर देखोगे ये नोखा, किसको? जिसमें कुछ क्षेत्र जैसलमेर का भी है और इधर से ये लिया जा सकता है। इसके अलावा पाली में सुमेरपुर को, किसको? सुमेरपुर को। पाली में बाली एक तहसील है, आपने पढ़ा होगा ना, पाली जिले की बाली तहसील की गोरिया गांव से निकलती है जवाई नदी, वही बाली है ये। अब जालोर में पहले बनाया सांचोर, अब अनुशंसाई की ना साहब किसे बनाओ? भीमाल को बनाओ, सांचोर को मत बनाओ। इसके अलावा इधर चूरू की तरफ देखोगे सुजानगढ़ को एक नया जिला बनाने की अनुशंसा की गई है। इधर से ये फुलेरा, ठीक है, दूधू नहीं, अभी फुलेरा सांबर लेक। अब सांबर लेक बनेगा तो कुछ क्षेत्र जयपुर का और कुछ क्षेत्र है वो नागौर का, जहाँ डीडवाना कुचामन बना हुआ है वो सामान्यतः सांबर लेक में आ जाएगा। इधर देखो बारा में छबड़ा, इधर देखोगे आप कोटा और झालावाड़ के बाउंड्री पर भीमाल, रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील थी इसे भी एक नया जिला बनाने की मांग की गई है। और ये देखो रामगंज मंडी, ये मैप प्रतीकात्मक है। कैसा है? प्रतीकात्मक है कि कुछ इस तरह के इन 13 शहरों को राजस्थान में नए जिले बनाए जाने की मांग रखी गई है के पवार समिति के समक्ष। तो देख रहे हो पिछले वाले जो 19 जिले थे उनमें वास्तविकता की बात करें तो किसी भी जिला मुख्यालय को इनमें शामिल नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं तो कम से कम शहर बदल दिया गया है, क्षेत्र बदल दिया गया है। तो ये कुछ नया राजस्थान के मैप में जुड़ने वाले जिले हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं, गहलोत ने 19 के बाद 3 और नए जिले बनाने की घोषणा भी की थी, हालांकि उससे पहले आचार संहिता लगी थी इसलिए वो नहीं बन पाए थे। तो ये सारा का करना नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो ये सारा का सारा मामला है अब क्या होने वाला है? समाप्त होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखो रिटायर्ड आईएएस कमेटी अध्यक्ष ललित के पवार ने कहा जन प्रतिनिधियों से लेकर हर एक स्टेट होल्डर से मिल रहे हैं, जन प्रतिनिधियों से लेकर हर नागरिक जिला को लेकर अपने सुझाव ज्ञापन दे सकते हैं। सिंचाई भवन के कमरा नंबर 346 दफ्तर के समय में आकर कोई भी अपना लिखित सुझाव दे सकता। मैं हर जिले में जा रहा हूं, ज्यादातर जिलों का दौरा पूरा कर लिया है, अब रिपोर्ट तैयार होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब लगभग राजस्थान में आपको 19 की जगह कितने जिले देखने को मिल सकते हैं? 17 जिले। लास्ट में बात करें कि अब हम क्या करें। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगली महत्वपूर्ण बात, हमें 31 अगस्त या 30 अगस्त तक रिपोर्ट का वक्त दिया गया है। मैं 30 को ही रिपोर्ट सौंप दूंगा, यानी कि डेडलाइन 31 दी गई है सॉरी, और उन्होंने कहा कि मैं तो 30 को ही ये रिपोर्ट सौंप दूंगा। ललित के पवार अध्यक्ष हाई पावर कमेटी। नेक्स्ट, नए जिले जो मापदंड में निश्चित बैठते
और पुतली बैरोड जयपुर नेपका थाना केकड़ी कैप्टन तिजारा दुदू डी गंगापुर सिटी शाहपुरा फलौदी सलुम्बर जालौर हनुमगढ़ ये जिले इन जिलों के बारे में कहा गया है कि ये जिले मापदंडों में सही नहीं बैठ रहे हैं अर्थात इन्हें तो हटाएंगे बाकी जिलों को वापस उन्हीं में मर्ज करके और 13 ये नए जिले बना सकते हैं जो आपके सामने कुछ इस तरीके से नाम दिए गए हैं। तो ये देखो या ये बदलाव आ सकता है आपके सामने। गहलोत राज में बने छोटे जिले खत्म होंगे। भजन लाल सरकार ने पेमेंट करने और काम करने का अधिकार पुराने जिला कलेक्टरों को ही दिया है, यानी कि अब जो गहलोत राज में नए जिले बने थे उनका कार्य भी पुराने जिला कलेक्टरों के माध्यम से उन जिलों के अंतर्गत आने वाली जो तहसील क्षेत्र थी उनमें किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये तो 100% इंडिकेट मिल चुका है कि परिवर्तन होगा, लेकिन ये जो 13 जिले हैं इनका एक प्रतीकात्मक परिवर्तन बताया गया है कि इस तरह से हो सकता है इनमें एक या दो जिले में कुछ आपको और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो जी दोस्तों, ये सब परिवर्तन राजस्थान में आने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। देखते रहिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।